हाँ, तो अभी आप इस समय डिस्टिलेशन प्रोसेस का पूरा असेंबली देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग पानी चालू करते हैं और ये सेंसर लगा है यहाँ पे। जब यहाँ पे पानी पहुँचता है, सेंसर जब एक्टिवेट होता है, पानी पड़ने पे एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद जब इसमें पानी उबलने लगता है और अब ये देख रहे हैं, तो यहाँ फिर यहाँ से स्टीम बनती है, ये ऊपर जाती है और यहाँ पानी ठंडा हो रहा है। जब ये ठंडा हो जाता है तो अंदर से स्टीम होती है, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होते हुए इसमें आपको भरता है, इससे आपको डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। और ये आप देख रहे हैं, तो ये ऑटो कंट्रोलर है, यानी कि जब ये जो नीचे हीटर लगा हुआ है, हीटर को कितनी हीट देनी है और कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, वो सब इसका कंट्रोलर काम है, ये कंट्रोल करता है। और ये जो सेंसर लगा है, ये सेंसर का जो तार भी है वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ से सेंस करता है कि पानी है कि नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, और ऑब्वियसली बात है कि अगर पानी नहीं होगा तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना ये फट सकता है, इसीलिए सेंसर ये देखता है कि यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं, उसके बाद जो होता है वो ये चालू करता है। चालू करता है तो ये हीट होता है। अभी देखिए, देख रहे हैं अभी हीट नहीं है क्योंकि समय क्या कहते हैं पानी चालू है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जब उबलना शुरू होगा, एक घंटे बाद करीब जब ये उबलने लगेगा तो यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर होगा। और अगर जो इसमें रियल एक चीज में दिक्कत है, वो दिक्कत की बात यह है कि इसमें पानी की वेस्टेज ज्यादा होती है। वेस्टेज इसलिए होती है क्योंकि जो पानी होता है यहाँ सेंसर के पास से निकलता है, तो यहाँ रनिंग वाटर चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे पानी आपने नहीं चलाया, पानी जैसे अभी चल रहा है ना, तो अगर पानी नहीं चलाया तो ये क्या स्टीम नहीं बनाएगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं बनेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए हम लोग को टैप को खोल कर रखना है ताकि यहाँ तक पानी भरा रहे, तो जब भरा रहेगा तभी बनेगा, और इसकी वजह से थोड़ी सी वेस्टेज यहाँ पे पानी की होती है। और अगर इस वेस्टेज को आपको रोकना है तो दो तरीके आप इस्तेमाल करिए। पहला तरीका ये है कि जब भी आप इसको चलाइए तो इसका कनेक्शन उस वॉश बेसिन का ऐसा करिए कि वो पानी वेस्ट ना हो, कहीं पे स्टोर हो जाए। तो और दूसरा तरीका ये है कि जब आप हीटर जो ये बॉयल होने लगे उसके बाद इसको चालू करिए, तो उससे क्या होगा, पानी की थोड़ी बचत होगी। जैसे जब इसको मैंने चालू किया था एक घंटे पहले तो उबलने लगा था, क्योंकि मैंने इसको नहीं चालू किया था। फिर जब देखा कि यहाँ ये ट्यूब जो है ये गर्म होने लगी है, तो मैंने इसको चालू किया, उसके बाद इसकी हीटिंग कम हो गई। तो इससे फायदा क्या है, पानी की बचत भी हुआ और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बचत होती वो भी होती है। तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ये डिस्टिलेशन पूरी यूनिट है जैसे आप दिख रहे हैं। और ये इस समय ये सॉइल साइंस लैब में है, तो ये यहाँ के लैब में आए हैं और यहाँ पे आपको डिस्टिलेशन चेम्बर पूरा दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में बताया गया वो समझ में आई होगी। तो ऐसे ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऐसे मिलती रहेगी लैब से रिलेटेड, या फिर किसी भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।